पीवी सिंधु गोल्डन गर्ल के संघर्ष की कहानी। पुसरला वेंकट सिंधु, जिन्हें हम सभी पी वी सिंधु के नाम से भी जानते हैं। सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता का नाम पीवी रमन है। वह भी एक पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। सन 2000 में रमन को अपने खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इनकी माता का नाम पी विजया है। इनकी माँ भी पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है। जब सिंधु के माता पिता प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेल रहे थे, तभी सिंधु ने बैडमिंटन खेलने का निर्णय लिया। सिंधु ने अपनी सफलता की प्रेरणा 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बने पुलेला गोपीचंद से ली। असल में सिंधु ने 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। सिंधु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सिनियम हाई स्कूल हैदराबाद से की। इसके बाद इन्होंने सेंट एन के महिला कॉलेज मेहदीपनम से स्नातक किया। इनकी एक बड़ी बहन भी है जो कि एक डॉक्टर है। वह भी हैंडबॉल की नेशनल लेवल प्लेयर रह चुकी है। पीवी सिंधु ने सबसे पहले महबूब अली के प्रशिक्षण में इस खेल की मूलभूत जानकारी हासिल की। इन्होंने सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे के इंस्टीट्यूट में ही अपने प्रशिक्षण की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद सिंधु पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हो गई। सिंधु की प्रतिबद्धता कमिटमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं। यह अपने बैडमिंटन एकेडमी में जाने के लिए रोजाना 56 किलोमीटर का सफर तय करती थी। इसके बावजूद कभी भी इन्होंने इस बात का बहाना नहीं बनाया, मैं इतनी दूर से आती हूँ तो मैं लेट हो सकती हूँ। इनके बारे में कहा जाता है, हर व्यक्ति को, विशेष रूप से हर खिलाड़ी को इनसे कुछ बातें सीखनी चाहिए। यह कभी भी हार नहीं मानती, अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य निश्चित करती है, फिर उसको पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करती है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको सही गुरु मिल जाए तो आप हमेशा सही दिशा में ही जाएंगे। वैसा ही सिंधु के साथ भी हुआ। इनके अंदर खेलने का पैशन तो पहले से ही था। खेल के बेसिक्स इन्होंने सीख रखे थे। जैसे ही इन्हें पुलेला गोपीचंद जैसे गुरु का साथ मिला, वैसे ही इनके अंदर का बैडमिंटन खिलाड़ी अपने फुल फॉर्म में आ गया। फिर इन्होंने जूनियर लेवल पर अनेक प्रतियोगिताएं भी जीती। सिंधु को बचपन में सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए सिंधु को बैडमिंटन कोच महबूब अली ने कहा था, वह वॉल प्रैक्टिस करें, यानी कि दीवार पर तब तक सटल मारे जब तक वहां तो पेंट उखाड़ नहीं जाता। 2005 में 10 साल की सिंधु ने अपने बैडमिंटन टैलेंट से पुलेला गोपीचंद का ध्यान अपनी ओर खींचा। गोपीचंद ने उनके माता पिता से सिंधु को गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में दाखिला दिलवाया। गोपीचंद को सिंधु की क्षमता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ट्रेनर क्रिस्टोफर पॉल को अपनी एकेडमी में बुलाया। उनसे सिंधु के लिए एक ट्रेनिंग रेजिमेंट तैयार करने के लिए कहा। पॉल ने सिंधु की मसल स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू किया। वहीं गोपी चंद ने उनकी स्पीड और टेक्निक पर काम करना शुरू किया। वह सुबह स्कूल जाया करती। स्कूल से आते ही उनके पिता सिकंदराबाद से गाजीपुर ट्रेनिंग के लिए ले जाया करते। सिंधु इसी दौरान कार की बैक सीट में बैठकर नींद की झपकी ले लेती। घंटों बैडमिंटन प्रैक्टिस करने के बाद घर वापस आकर स्कूल होमवर्क करती। वह हर दिन अपने घर से 50 से 60 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रेनिंग के लिए जाया करती। इस तरह
हर दिन आने जाने में 4 घंटे बीतते। यह सब धीरे धीरे उनकी सेहत पर असर डालने लगा। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल में दाखिला दिला दिया। हॉस्टल में दाखिला दिलाने के बाद उन्हें परिवार की इतनी याद आने लगी। इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ने लगा। आखिरकार उनका परिवार भी उनके साथ रहने आ गया। उनके माता पिता का सपोर्ट और कोच गोपीचंद की ट्रेनिंग धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। सिंधु ने 10 साल की उम्र में ही कई बड़े टूर्नामेंट में खेलना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जीत हासिल करनी भी शुरू कर दी। Under 10 5th Service All India Ranking Championship Ambuja Cement All India Ranking Event. इसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। डोमेस्टिक लेवल पर भी अब सिंधु की पहचान बनने लगी। उन्होंने अंडर 13 में पांडिचेरी में सब जूनियर का टाइटल जीता। सिंधु के लिए बैडमिंटन हमेशा से उनकी प्रायोरिटी थी। जब वे 10वीं में थी तब उन्होंने एक बैडमिंटन इवेंट के लिए अपने बोर्ड एग्जाम तक छोड़ दिए। फिर उन्होंने अगले साल सप्लीमेंट्री सेक्शन में 10वीं के एग्जाम्स दिए। सिंधु का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2009 में हुआ। सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, यहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिंधु ने साल 2010 में ईरान में हुए इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में सिंगल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। 2010 में ही सिंधु ने मेक्सिको में जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। इसके साथ ही 2010 में उबर कप की भारतीय नेशनल टीम की सदस्य भी रही। सिंधु अपने बैडमिंटन इवेंट के कारण अपनी बहन की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई, क्योंकि उन्होंने उस वक्त 2012 में सैयद मोदी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट जो कि लखनऊ में हो रहा था उसमें भाग लेना था। वह फाइनल तक पहुंचने से पहले एक बार भी नहीं हारी। 8 साल की होने के बाद सिंधु को भारत पेट्रोलियम में असिस्टेंट स्पोर्ट्स मैनेजर की नौकरी मिली। उन्होंने 2013 में मलेशियन ओपन में पहला ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता। इसके बाद साल 2013 के अंत में सिंधु को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। यह उनकी जिंदगी का एक खास पल था, क्योंकि इससे पहले उनके पिता को वॉलीबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड मिला था। 2014 टीन एशियन गेम्स ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेडल, पहली भारतीय महिला बनी। साल 2015 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने मको ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट में एक बार फिर जीत हासिल की। सन 2016 में जब रियो ओलंपिक हुए तब सिंधु महिलाओं के एकल सेमी फाइनल में जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में पहुंची। उन्होंने फाइनल में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसी के साथ वह भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई, जो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। उन्होंने विश्व भर में अपने खेल से सनसनी मचा दी। तब तक भारत का बैडमिंटन में कोई बड़ा नाम नहीं हुआ था। सन 2019 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। सिंधु ने यह मुकाम कई बार हारने के बाद हासिल किया। पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में कई बार फाइनल मुकाबलों में पहुंचकर गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने का अपना सपना पूरा किया। पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में फाइनल में जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को वैसे ही हराया जैसे ओकुहारा कोई स्कूल की खिलाड़ी हो, उन्हें अभी बैडमिंटन सीखना बाकी हो। इस मैच में सिंधु का दबदबा कुछ इस तरह से था।
वे यह चैंपियनशिप 21-7 से जीत गई। इसका मतलब उन्होंने नोजोमी ओकुहारा को इस मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस तरह वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। इसके पहले पुरुष या महिला वर्ग में किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। इसके अलावा पीवी सिंधु के नाम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5 मेडल जीतने का खिताब दर्ज है। सिंधु ने अब तक 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु से ज्यादा दुनिया में अब तक किसी भी महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीते हैं। इसी के साथ सिंधु महिला एकल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भी दुनिया की 4थी महिला खिलाड़ी बन गई। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। किसी भी ओलंपिक में 2 लगातार मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके पहले उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में चीन की बिंगजियाओ को सीधे गेम्स में मात दी। उन्होंने पहला गेम 21-13 तो दूसरा गेम 21-15 से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ही बिंगजियाओ की वर्ल्ड रैंकिंग 9 है। पीवी सिंधु वर्ल्ड रैंकिंग 7। पहले गेम में कड़ी टक्कर थी, यह 6-6 पर खत्म हुआ। पीवी सिंधु के साथ हमेशा नेशनल कोच पुलेला गोपीचंद को देखा जाता था, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनकी जगह साउथ कोरियन कोच सैंग नजर आए। जबकि पुलेला गोपीचंद का पीवी सिंधु की सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा। रियो ओलंपिक 2016 में भी पुलेला गोपीचंद उनके साथ थे। इसका मुख्य कारण था कि गोपीचंद के ऊपर 2019 में काफी वर्क लोड आ गया था। इस कारण वे पीवी सिंधु पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में पीवी सिंधु और अन्य टॉप शटलर को बोला गया, अब आप किम जी ह्यून के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे, जो कि साउथ कोरियन कोच थे। लेकिन इन्होंने भी 2020 में रिजाइन कर दिया। साउथ कोरियन कोच सैंग अपॉइंट। फिर सिंधु ने गोपीचंद एकेडमी को मार्च 2021 में छोड़ दिया। फिर सैंग के साथ गचिबौली इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग लेना शुरू की। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोपीचंद की जगह सैंग नजर आए।